शव के साथ। बैंड बाजा बजाकर नाचती बेटियों का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आपका स्वागत है। वायरल सच में आज हम आपको एक ऐसे दावे का सच दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने आज से पहले शायद ही कभी सुना हो। दावा यह कि अपने पिता के शव के साथ सड़क पर नाच रही थी बेटियां। दावा है कि अपने पिता के शव के साथ बैंड बजा बजाकर जश्न मना रही थी बेटियां। इस दावे के साथ सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें और वीडियो भी पेश किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जो बताया जा रहा है वही सच है या फिर कहानी कुछ और है। दावे पर सच और झूठ के बीच खड़ी इस दीवार को तोड़ेगा वायरल सच। दावा है कि ढोल की आवाज पर थिरकते ये कदम उन बेटियों के हैं जो अपने पिता की मौत का जश्न मना रही है। दावा है कि नगाड़े की गूंजती आवाज के साथ तालियों की ये थाप उन बेटियों की जो अपने पिता की मौत पर नाच रही है। दावा है कि ये वो बेटियां हैं जो अपने पिता की मौत पर आंसू नहीं बहा रही हैं, बल्कि बैंड बजाकर उनकी अंतिम यात्रा निकाल रही हैं। मुमकिन है ये तस्वीरें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह गई हों। ये दावा सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन न हो रहा हो, और मुमकिन ये भी है कि कुछ लोग इस कहानी और तस्वीर को बिना सच जाने खारिज कर रहे हों। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ये वीडियो चौंकाने वाला है। ये कहानी हैरान करने वाली है। 37 सेकंड के इस वायरल वीडियो में सिर्फ महिलाएं नाचती हुई नहीं दिख रही हैं। वीडियो शुरू होता है तो बारात लेकर जाने वाली बैंड पार्टी बाजा बजाते हुए दिखती है। मानो बारात निकलने वाली हो और बैंड पार्टी दरवाजे पर दूल्हे के साथ आने वाली बारात का इंतजार कर रही है। वायरल वीडियो में 8वें सेकंड पर चमचमाती गाड़ी दिखाई देती है जो फूलों से सजाई गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूल्हे के लिए बारात में सजाई जाती है। गाड़ी के ठीक पीछे बैंड पार्टी दिखाई देती है जो पूरे जोश के साथ बाजा बजाने में जुटी हुई है, और फिर 22वें सेकंड पर दिखाई देता है वो दृश्य जिसने देश को हैरान कर दिया है। यहां महिला पुरुष मिलकर ढोल पर थिरकना शुरू कर देते हैं। दावा है कि पिता की मौत पर उनकी बेटियां ढोल नगाड़ों के बीच नाच रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वायरल वीडियो में वाकई पिता की मौत का जश्न मनाया जा रहा है? कहीं वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है? और अगर वाकई इन बेटियों के पिता की मौत हुई है तो वो ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरक क्यों नहीं है? इन सवालों का जवाब तभी मिल सकता था जब हम तस्वीरों में दिख रहे परिवार का पता लगा पाए। सुराग की तलाश में हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। हमने सबसे पहले वायरल वीडियो के बारे में इंटरनेट पर पड़ताल शुरू की। यहां हमें पता चला कि नोएडा के सेक्टर 40 में ऐसी एक घटना की खबर है। हमारी टीम जब वीडियो की पड़ताल करते हुए नोएडा के सेक्टर 40 पहुंची तो हमारी पड़ताल में वायरल वीडियो से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी मिली। ये देखिए, बैंड पार्टी वही है जो आपने वायरल वीडियो में देखी थी, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे फूलों से सजा हुआ एक ट्रक दिखाई दे रहा था। उस ट्रक पर एक बड़ी सी मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी हुई थी।
दुल्हन की तरह सजी हुई वायरल वीडियो वाली कार भी मौजूद थी। लेकिन इसके बाद हमें मिलती हैं वो तस्वीरें जिसमें महिलाएं नाचती हुई दिख रही थी। इन तस्वीरों के ठीक पीछे फूलों से सजा वही रथ दिखाई देता है। महिलाएं ताली बजाती हुई नाचती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं। रथ पर खड़ा एक आदमी भीड़ पर फूलों की बारिश कर रहा है। धीरे धीरे कैमरा जब रथ के नजदीक पहुंचता है तो सामने आता है एक पोस्टर जिस पर लिखा है अंतिम यात्रा श्री हरि भाई लालवानी। यानी ये तस्वीरें वाकई अंतिम यात्रा की है। अब देखिए जब हरि भाई लालवानी का शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा तो उनके शव को कंधा देने वाले हाथ किसके थे। हरि भाई के शव को कंधा दे रही थी उनकी बेटियां जो ढोल नगाड़े बैंड बाजा के साथ अपने पिता के शव का अंतिम संस्कार करने पहुंची हैं। हरि भाई लालवानी की बेटियों ने उनके शव को सिर्फ कंधा ही नहीं दिया बल्कि मुखाग्नि भी दी। आज से पहले आपने शायद शमशान घाट पर शव को मुखाग्नि देते वक्त संगीत बजते हुए नहीं सुना होगा। आज से पहले आपने कभी शव को मुखाग्नि देते वक्त किसी को यूं नाचते हुए नहीं देखा होगा। इस तरह से तालियां बजाते हुए नहीं देखा होगा। ऐसा लग रहा था कि हरि भाई लालवानी के घर की सारी महिलाएं मुखाग्नि देने के लिए शव की परिक्रमा कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पिता की मौत का जश्न क्यों मनाया गया? पिता के शव को नाचते हुए मुखाग्नि क्यों दी गई? हरि भाई लालवानी कौन है? इन सवालों के जवाब के लिए हम अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया। दरअसल हरि भाई लालवानी एक मशहूर उद्योगपति और प्रिंस गुटका कंपनी के संस्थापक थे। हरि भाई लालवानी की चार बेटियां हैं जिन्हें उन्होंने बेटों की तरह पाला। जिन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत दिल्ली में पान की दुकान से की थी। हरि भाई लालवानी 1990 के दशक में गुटका किंग के नाम से मशहूर हुए। हरि भाई लालवानी की चार बेटियां हैं जिन्हें उन्होंने बेटों की तरह पाला। हरि भाई लालवानी कौन थे ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अभी ये जानना बाकी था कि उनकी मौत पर चारों बेटियों ने जश्न क्यों मनाया, वो भी ऐसा जो सड़कों में बैंडबाजों के साथ और शमशान तक जारी रहा। दरअसल हरि भाई लालवानी का जिंदगी और मौत के बारे में कहना था कि ईश्वर ने भेजा है और ईश्वर ने ही बुलाया है, इसलिए मातम कैसा। ये देखिए उनकी अंतिम यात्रा के दिन उनकी तस्वीर के साथ मौत के लिए उनकी सोच क्या थी ये भी लिखा था। मैं बदल कर रूप चला हूँ, आंसू न बहाना, मेरी अंतिम यात्रा है ये, इसका जश्न मनाना। हरि भाई की अंतिम इच्छा थी कि उनकी मौत पर मातम के बजाय जश्न मनाया जाए और उनकी बेटियां उनकी अर्थी को कंधा देने के साथ साथ मुखाग्नि भी दें। हरि भाई की चारों बेटियों ने उनकी इसी अंतिम इच्छा को पूरा किया। सोचते थे कि जैसे हमारे लिए जन्म एक सेलिब्रेशन है, डेथ भी उतना ही सेलिब्रेशन है। इसलिए आखिर ये हमने उनका सपना था तो जब भी वो हमसे हर साल डिस्कस करते थे कि जब भी बेटियों में बनता तो मेरी डेथ को कोई गम नहीं मनाऊंगी, सेलिब्रेशन मनाऊंगी। हमारी पड़ताल में पिता की शव यात्रा में बैंड बाजे के साथ नाचती
बेटियों का वीडियो सच साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।